जय हिंद प्यारे साथियों। अगर आप एयरपोर्ट या एयरलाइंस की जॉब में इंटरेस्टेड हैं तो आप सभी के लिए ग्रेट अपॉर्चुनिटी यहां पे निकाली गई है। आप सभी को बता दें कि ऑल ओवर इंडिया से मेल एंड फीमेल कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और एयरलाइंस की जॉब यहां पे ले सकते हैं। साथ ही में आप सभी को बता दें कि इसका जो एज क्राइटेरिया है वो 18 से 30 साल रखा गया है, तो काफी बढ़िया एज क्राइटेरिया है। ऑलमोस्ट काफी कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आप सभी के साथ शेयर करेंगे कि कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कैसे एयरलाइंस की जॉब यहां पे आप सभी को मिलेगी। हर एक चीज आप सभी को इस वीडियो में क्लियर हो जाएगी, तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली अपडेट के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें। आगे चलते हैं नोटिस की तरफ और आप सभी को हर एक चीज के बारे में क्लियर करते हैं। आप सभी को बता दें कि ये अपॉर्चुनिटी आप सभी के लिए लेके आया है उद्देश्य एयरलाइन एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड, जो कि एक रजिस्टर्ड कंपनी है जो कि आपको एयरलाइंस एयरपोर्ट में आपको जॉब दिलवाता है। अगर यहाँ पे हम बात करें तो आप सभी को बता दें कि यहाँ पे आपको बहुत सारी अलग अलग पोस्ट के लिए जॉब्स मिल जाती है, जैसे कि आपका कस्टमर सर्विस एजेंट हो गया, एयरलाइंस कैबिन क्रू या एयर होस्टेस हो गया, ट्रैवल एंड एयरलाइन टिकटिंग हो गया, एयरपोर्ट ग्राउंड हैंडलिंग हो गया, रिटेल मैनेजमेंट हो गया, कार्गो मैनेजमेंट जैसी जॉब आप सभी को यहाँ पे उद्देश्य एयरलाइन अकेडमी प्राइवेट लिमिटेड आप सभी को दिलवाता है। अगर आपका सपना है एयरलाइंस की जॉब पाने का तो आपका ये सपना पूरा हो सकता है यहाँ पे उद्देश्य एयरलाइन अकेडमी प्राइवेट लिमिटेड के थ्रू। आप सभी को बता दें कि ये इंडिया की टॉप लीडिंग कंपनी है और यहाँ पे आप सभी को मैं पूरी चीजें क्लियर करने वाला हूँ, जिसमें अगर हम बात करें कि कैसे आप सभी को इसे ज्वाइन करना है और कैसे आपको एयरलाइंस की जॉब मिलेगी, तो स्टेप बाय स्टेप आप सभी को सारी चीजें यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। तो सबसे पहले इनकी तरफ से एडवर्टाइजमेंट एक जारी किया है जिसके लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। 1 नवंबर 2023 से इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और 30 नवंबर 2023 इसकी लास्ट डेट है। सबसे पहली चीज तो आप सभी को इसके लिए कोई भी फीस नहीं देनी है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए कोई भी रजिस्ट्रेशन फीस नहीं रखी गई है। यहाँ पे रिटन एग्जामिनेशन की बात करें तो अभी तक अनाउंस नहीं किया गया, बट जैसे ही अनाउंस होगा आप सभी को अपडेट कर दिया जाएगा और रिटन एग्जामिनेशन हो जाने के 5 दिन बाद इसका जो रिजल्ट होता है वो जारी कर दिया जाता है। अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो उद्देश्य एयरलाइन अकेडमी प्राइवेट लिमिटेड एक लीडिंग एयरलाइन सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है जिसकी तरफ से यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जारी किए गए हैं डिफरेंट पोस्ट के लिए, जिनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पे इनके थ्रू यहाँ पे आप एयरलाइंस में जॉब ले सकते हैं। पोस्ट के बारे में ऑलरेडी मैंने आप सभी को बता दिया कि कौन कौन सी पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है, काफी अच्छी पोस्ट यहाँ पे रखी गई है, ये आपके क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग रखी गई है। इसमें हम मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे मिनिमम आप 12th पास होने चाहिए या फिर इसके ऊपर अगर आप ग्रेजुएट हैं तो और भी अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ पे मिल जाती है। फिर बात आती है कि यहाँ पे सैलरी आपको कितनी मिलती है, तो एक्सपेक्टेड सैलरी आपको 25,000 से 35,000 रुपए पर मंथ मिल जाती है। बढ़िया जो आपकी सैलरी होगी वो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया पे डिपेंड करेगी, आप कितने कैपेबल हैं इसके ऊपर डिपेंड करेगी, साथ ही में आपका इंटरव्यू कैसा जाता है इसके ऊपर डिपेंड करेगी, इसी के अकॉर्डिंग आपकी सैलरी डिसाइड होती है। एज की बात करें तो 18 से 30 साल तक के सभी मेल एंड फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ सीट्स की अगर हम बात करें तो 1140 यहाँ पे टोटल सीट्स निकाली गई हैं जिनपे आप सभी को हायर करवाया जाएगा। और सबसे अच्छी बात यहाँ पे देख सकते हैं कि इसके लिए मेल एंड फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, साथ ही में फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी एक्सपीरियंस आपको नहीं चाहिए, ना ही कोई एविएशन एयरलाइंस का सर्टिफिकेट चाहिए और ना कोई आपको डिप्लोमा चाहिए। इसके लिए अगर आप 12th पास अभी तक आपने नहीं किया है, जैसे कि अभी आपका एग्जामिनेशन का रिजल्ट नहीं आया है या एग्जाम नहीं हुए हैं, तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। रिटन एग्जामिनेशन की बात करें जो कि इसका पहला स्टेप होता है, ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद आपका रिटन एग्जामिनेशन यहाँ पे होता है। रिटन एग्जामिनेशन एक बिल्कुल जनरल नॉलेज टाइप का यहाँ पे होता है जिससे कि आपकी बेसिक नॉलेज चेक की जाती है कि आप इसके कैपेबल हैं कि नहीं, आपको जॉब मिल सकती है या नहीं, तो वो सारी चीजें यहाँ पे आपकी चेक की जाती है। तो यहाँ पे जो रिटन एग्जामिनेशन होता है इसमें टोटल 4 सेक्शन आपके होते हैं, एक जनरल नॉलेज के 25 क्वेश्चन, एविएशन नॉलेज के 25 क्वेश्चन, इंग्लिश नॉलेज के 25 क्वेश्चन और एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आपके होते हैं। टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं, 100 मार्क्स आपको दिए जाते हैं, 1.5 घंटे का यानी 90 मिनट का आपका ये जो पेपर होता है वो आपका करवाया जाता है। इसके अलावा यहाँ पे आप सभी के जो टोटल क्वेश्चन होंगे वो 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहते हैं। आपका जो पेपर आता है वो यहाँ पे 12th स्टैंडर्ड का आपका पेपर यहाँ पे होता है, ये भी आप सभी को क्लियर कर दिया गया है। साथ ही में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती और बायलिंगुअल आपका पेपर होता है, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में आपका पेपर होता है। ऑल ओवर इंडिया में यहाँ पे आपके सेंटर्स बनाए जाते हैं, तो जब भी आप अप्लाई करें तो अपने जो भी एग्जामिनेशन सेंटर है उसे सही ढंग से फिल करें, क्योंकि इसे बाद में चेंज नहीं किया जा सकता है। तो ऑल ओवर इंडिया में हर एक स्टेट के लिए अलग अलग सेंटर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, तो आपकी जो भी नियर बाय सिटी है उसे आप सेलेक्ट कर सकते हैं और इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने की बात करें तो यहाँ पे अप्लाई करने के लिए आप सभी उद्देश्य.com की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके अप्लाई कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से जाके आप इसके लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और इसे ज्वाइन कर सकते हैं।
बाकी का कुछ जो चीजें हैं वो आप सभी को बता दी गई है कि 1 नवंबर से लेके 30 नवंबर तक आप इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो बात आती है वो आती है सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट। यहाँ पे अगर हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो देखो मैं आप सभी को सारी चीजें बहुत ही सिंपल वे में समझा देता हूँ कि यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस कैसे काम करता है। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है कि आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद फिर आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा। रिटन एग्जामिनेशन को जो बच्चा क्वालिफाई कर लेता है इसके बाद आपका एक पर्सनल इंटरव्यू भी होता है जो कि कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस जो है दिल्ली में है वहां पे आप सभी को बुलाया जाता है और वहां पे आपका पर्सनल इंटरव्यू होता है। इसके बाद ही आपका सिलेक्शन होता है। अकेडमी आप ज्वाइन कर सकते हैं और कुछ केसेस में ऐसा होता है कि अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स वगैरह काफी बढ़िया हैं और लगता है कि आप इतने कैपेबल हैं कि आराम से डायरेक्टली जॉब ले सकते हैं तो आपको डायरेक्ट वहीं से प्लेस्ड करवा दिया जाता है एयरलाइंस की जॉब्स के लिए। अगर जरूरत है कि आपको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी और उसके बाद आपका सिलेक्शन हो पाएगा, यानी कि बहुत टाइम ऐसा भी होता है कि हमें स्किल्ड करने की जरूरत पड़ती है, तो यहाँ पे उद्देश्य एयरलाइन अकेडमी प्राइवेट लिमिटेड आप सभी को यहाँ पे ट्रेनिंग करवाता है और फिर उस ट्रेनिंग पीरियड के बाद आप सभी को क्या है कि यहाँ पे एयरलाइंस की जॉब दिलवा दी जाती है। अब ये जो आपका ट्रेनिंग पीरियड होता है वो डिपेंड करता है पोस्ट टू पोस्ट, यानी कि कुछ पोस्ट के लिए ऐसा भी होता है कि 3 महीने की ट्रेनिंग होती है, कुछ पोस्ट ऐसी भी होती हैं जिनके लिए 3 महीने से अधिक की भी आपकी ट्रेनिंग होती है, क्योंकि जिनका सिलेबस ज्यादा होता है वो कंप्लीट नहीं हो पाता, तो उसके लिए सिंपल सी बात है कि आपका ट्रेनिंग पीरियड ज्यादा होता है। तो इस प्रोसेस को फॉलो करके आप डायरेक्टली एयरलाइंस की जॉब, तो यहाँ पे उद्देश्य एयरलाइन अकेडमी प्राइवेट लिमिटेड आपको जॉब दिलवा देता है। तो ये प्रोसेस रहता है, आप सभी को क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से ये पूरा प्रोसेस काम करता है। तो यहाँ पे इनके थ्रू आप एयरलाइंस में जॉब ले सकते हैं। जो आपका एयरपोर्ट में नौकरी करने का सपना है वो यहाँ पे सपना पूरा हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट इनके थ्रू यहाँ पे जॉब ले रहे हैं एयरपोर्ट या एयरलाइंस में। तो आप सभी को भी यहाँ पे बहुत इजीली जॉब मिल सकती है। वो सारी चीजें आप सभी को बता दी गई है कि किस किस तरीके से आपको अप्लाई करना है। जो भी जनरल इंस्ट्रक्शन है वो आप सभी को दे दिए गए हैं। तो अप्लाई करने से पहले आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, वहां पे जाके सारी चीजें चेकआउट कर सकते हैं और लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दिया हुआ है। वहां पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुंच जाते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो वहां पे जाके सारे डाउट आप क्लियर कर सकते हैं और इसके बाद इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, आप अपने एयरलाइन जॉब के सपने को यहाँ पे पूरा कर सकते हैं, जिसमें अलग अलग पोस्ट के लिए आप सभी को अपॉर्चुनिटी मिल रही है और एज क्राइटेरिया काफी बढ़िया है, 18 से 30 साल यहाँ पे रखा गया है। कि यहाँ पे आप सभी को बता दें कि उद्देश्य एयरलाइन अकेडमी ये आप सभी को अश्योर करती है कि आप सभी जब ट्रेनिंग पूरी कर लेते हैं तो आप एक अच्छी जगह प्लेस्ड हो जाते हैं, आपको जॉब दिलवा दी जाती है। तो आई होप जो बच्चे एयरलाइंस की जॉब में इंटरेस्टेड हैं उन सभी के लिए काफी बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, तो आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।